हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे चैनल टेक गुरु नवीन मैं आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको हम LNTACB सर्किट ब्रेकर के बारे में बताएंगे, जिसका पूरा नाम एयर सर्किट ब्रेकर है। यह LNT का ओमेगा मॉडल है, जिसमें मुख्य पार्ट्स इस प्रकार है। सबसे पहले ऑन ऑन ऑफ बटन, जिनसे ब्रेकर को ट्रिप या क्लोज कर सकते हैं, जो पुश बटन टाइप का है। उसके बाद ये ब्रेकर का स्टेटस दिखाता है, इसमें ब्रेकर कनेक्टेड है या टेस्ट मोड में है या डिस्कनेक्टेड है, उसके बारे में पता चलता है। फिर ये ब्रेकर रिमूविंग हैंडल है, इसकी सहायता से हम ब्रेकर को डिस्कनेक्टेड मोड में लाते हैं, जो आपको आगे वीडियो में भी दिखेगा। इसके बाद ये ब्रेकर का स्टेटस दिखता है, जिसमें ब्रेकर ऑन है या ऑन ऑफ है, और ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज है या डिस्चार्ज है, उसका पता चलता है। ये ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करने के काम आता है। जब कभी बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ब्रेकर को ऑन या ऑफ कर दे, तो ब्रेकर की स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाती है। इसको चार्ज करने के लिए यह काम आता है। अब आगे हम ब्रेकर को डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, वह कभी डिस्चार्ज हो तो उसे कैसे चार्ज करते हैं, उसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्रेकर को रिमूव करने वाले हैंडल को निकालेंगे। उसके बाद हैंडल को उसकी रिमूविंग पोजीशन में लगाने के लिए हमें उसके आगे का कवर खोलना पड़ेगा, जिसको खोलने का प्रोसेस वीडियो में दिख रहा होगा। हम पहले ऑन ऑफ बटन को दबाकर उसके कवर को लेफ्ट साइड को करेंगे, जिससे उसका कवर खुल जाएगा। उसके बाद उसमें हम हैंडल को लगाकर हैंडल को एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर ब्रेकर को सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे, जो आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। जब ब्रेकर डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसका इंडिकेशन ब्रेकर में आ जाएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा। व्हाइट मार्क डिस्कनेक्टेड में पहुंच चुका है, और फिजिकली भी आपको ब्रेकर बाहर निकला हुआ दिख जाएगा। अब ब्रेकर को वापस कनेक्टेड करने के लिए उसी हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, जिसको घुमाने के बाद ब्रेकर सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, और फिर हैंडल को उसकी अपनी जगह पर रख देंगे। जैसा कि वीडियो में पहले बताया था कि ब्रेकर कभी अगर डिस्चार्ज होगा तो ब्रेकर कोई भी कमांड नहीं लेगा। चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे बिना इलेक्ट्रिकली उसको हम इस हैंडल की मदद से चार्ज कर सकते हैं। आप वीडियो में देखो कि कैसे हम उसको चार्ज करेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने इस हैंडल की मदद से ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज कर दिया। अब ब्रेकर को हम ऑन एंड या ऑन ऑफ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।